क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम रिटायरमेंट के बाद आप निकाल सकते हैं। अब रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि 60 साल की उम्र होगी तो ही, रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियली रिटायरमेंट, जब आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। क्या करना होगा इसके लिए, आपको कुछ भी नहीं है। आप जो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट अपने कर रहे हैं, SIP को किसी भी कीमत पर बंद ना करें, किसी भी सिचुएशन में बंद ना करें, लगातार अपने निवेश को बढ़ाते रहे, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, SIP में टॉपअप लगाते रहें, और कितनी भी इमरजेंसी आ जाए अपनी SIP को बंद ना करें, उसमें से विड्रॉल ना करें, म्यूचुअल फंड से विड्रॉल ना करें। और आपको जब भी ऐसी इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आप इमरजेंसी फंड बनाकर रखें अलग से, ताकि हम उससे डिस्टर्ब नहीं कर सकें। क्योंकि इस वजह से हम बहुत सारे लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो आपको शायद पता भी नहीं होगा दोस्तों कि जब हमारी जो यंग एज होती है, जब काम करने की उम्र होती है, तब हम अपना सारा एनर्जी पैसा कमाने में लगा देते हैं। हम अपनी जिंदगी कब निकल जाती है हमें पता नहीं चलता है, और हम इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हमें अपना फ्यूचर सेट करना होता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, जब आप रिलैक्स हो जाते हो, आपके पास इतना फंड हो जाना चाहिए कि आप अपनी मनचाही जगह पर घूमने जा सके, आप अपने जो भी हॉबी है, जो भी आपके शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए अपना टाइम निकाल सके, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सके। तो आपका एक गोल्डन एरा होता है, ये जो रिटायरमेंट टाइम होता है ये आपका गोल्डन एरा होता है। वो तभी होगा जब आपके पास इतना फंड हो कि हम उस जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप कोई भी डिसीजन विड्रॉल करने से पहले, म्यूचुअल फंड को स्विच करने से पहले, या कुछ भी डिसीजन फाइनेंशियल लेते हैं, आप कोई भी ऐसे यूट्यूब देखकर या एरे गेरे से पूछकर, किसी से भी पूछकर कुछ भी आप डिसीजन ना लें, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही डिसीजन लें। क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को वापस जीरो पर ला सकता है दोस्तों। तो कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो, कोई भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी हो या करना हो या क्या आपको सजेशन चाहिए उसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ऑल द बेस्ट।